फ्रेंड, मैं अनीता अपने चैनल पे आपका स्वागत करती हूँ। चलिए आज मैं बनाने जा रही हूँ सूजी का हलवा। इसके लिए देखिए, मैंने एक कटोरी सूजी ली है, एक कटोरी चीनी ली हूँ और एक ही कटोरी ये शुद्ध देसी घी ली हूँ। ये तीनों का मेजरमेंट मैंने इस कप से किया है। ये तीन एक एक कप तीनों चीज़ है। इस कप से मैंने मेजरमेंट किया है। तीनों चीज़ सेम क्वालिटी है। और ये देखिए कुछ ड्राई फ्रूट्स हैं, जिसमें सूखे नारियल हैं कटे लंबे टुकड़ों में, और ये बादाम है, ये भी लंबे टुकड़ों में कटा है, और ये एक पिंच खाने वाला फ्रूट्स कलर है, और ये केसर के धागे हैं। इसे दोनों को मैं हलवे में कलर के लिए डालूंगी, जिससे देखने में हमारा हलवा बहुत ही अच्छा लगे। और ये इलायची पाउडर है। चलिए मैं बनाना स्टार्ट करती हूँ। इसके लिए देखिए मैं पैन ली हूँ, इसमें मैं सूजी को ड्राई रोस्ट करूँगी, और एक दूसरा पैन ली हूँ, इसमें मैं शुगर सीरम बनाऊँगी। तो पहले मैं शुगर सीरम रख देती हूँ बनने के लिए, और इसमें ये घी डाल दूँगी। घी मेरी गर्म हो जाएगी तो मैं ये ड्राई फ्रूट डाल दूँगी इसमें। थोड़ा सा इसे ड्राई फ्रूट को फ्राई कर लूँगी, जिससे हलवे का कलर और भी, मतलब खाने में और भी स्वाद आता है। देखिए इसे मैं डाल दूँगी इसमें। थोड़ा सा इस ड्राई फ्रूट को फ्राई कर लूँगी। देखिए मैं पानी को इसी जितना मैं सूजी ली हूँ इसका तीन गुना पानी लूँगी। जैसे एक कप सूजी है मेरी, तो चार कप मैं पानी डालूँगी, जिससे हमारा हलवा एकदम परफेक्ट बने। ये ड्राई रोस्ट करके जो मैंने ये रखा है ड्राई फ्रूट्स, जो मैंने घी में फ्राई की हूँ, उसी में ये डाल दूँगी पानी को। अब इसमें चीनी डाल दूँगी। शुगर सीरम बना रहे हैं। इसे मैं दूसरे गैस पे शिफ्ट कर देती हूँ, और यहाँ पे मैं सूजी भूनती हूँ दूसरे पैन में। ये देखिए सूजी को ड्राई रोस्ट ही करना है, घी में नहीं भूनना है। घी मैंने शुगर सिरप में डाल दिया है। अब यहाँ पे सूजी को ड्राई रोस्ट कर लूँगी। बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है, हल्का ही, बस गोल्डन ब्राउन होने तक भूनना है मैंने। अब मैं बंद कर दे रही हूँ गैस। अब इसे उतार के एक साइड में रखूँगी। देखिए सूजी मेरी एकदम हो गई है। मैं गैस ऑफ कर दी हूँ, साइड में रख लेती हूँ। ये देखिए शुगर सीरम को भी बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, बस एक उबाल आया है। यहाँ मैं गैस ऑफ कर दूँगी। ये थोड़ा कलर डाल दूँगी इसमें।
और ये केसर के धागे डाल लूँगी। बस एक उबाल आया, मैं बंद कर दूँगी। अब शुगर सिरम को मैं अपनी सूजी में डाल लेती हूँ। देखिए सूजी मेरी हो गई है। अब मैं वापस से रख ली गैस पे और इसमें धीरे धीरे करके ये शुगर सिरम डाल दूँगी और सूजी हलवे को पका लूँगी। गरम गरम ही डालना है, एकदम ठंडा तो सिरम नहीं डालना है। देखिए अब धीरे धीरे मैं पूरा ही डाल दूँगी। हम इस पर मीडियम आँच पे गैस को लो रख मीडियम लो रखूँगी और इसको धीरे धीरे पका लूँगी। देखिए मेरे हलवे का कलर बहुत अच्छा आया है। इसे पका लेते हैं, 5-10 मिनट में ही पक जाएगा। चलाते हुए ड्राई रोस्ट करके सूजी का हलवा बनाने से ये इसके दाने एकदम परफेक्ट दिखते हैं, एकदम गलता नहीं है हलवा और देखने में बहुत अच्छा लगता है। इसलिए जब भी हलवा बनाएं तो ड्राई रोस्ट करके ही बनाएं तो बहुत अच्छा आता है सूजी का हलवा, इसका दाना दिखता रहता है और देखने में खाने में दोनों स्वादिष्ट लगता है। धीरे धीरे हमारा हलवा पक गया है, थोड़ा सा और सुखाना है, पक चला है। अब यहाँ पे मैं इलायची पाउडर डाल दूँगी, ये जिससे इसका स्वाद और बढ़ जाए। ये देखिए पूरा दानेदार दिख रहा है हलवा मेरा, देखने में बहुत स्वादिष्ट लग रहा है, खाने में भी बहुत स्वादिष्ट होगा। ये देखिए मेरा हलवा सूख चला है, अब सूख भी गया है। अब मैं इसे बंद कर लेती हूँ और यहाँ पे थोड़ा सा घी ऐड कर देती हूँ ताकि हलवे में चमक आ जाए, देखने में और भी सुंदर लगे और खाने में भी इसका स्वाद बढ़ जाएगा। देखिए मैंने गैस बंद कर लिया, अब मैं इसे सर्व कर लेती हूँ। ये देखिए बहुत ही दानेदार बना है, देखने में भी बहुत अच्छा लग रहा है, खाने में भी बहुत स्वादिष्ट होगा। चलिए मैं इसे सर्व कर लेती हूँ। ये देखिए मेरा हलवा बहुत ही दानेदार और बहुत ही अच्छा बना है, देखने में भी बहुत सुंदर लगा और खाने में भी बहुत स्वादिष्ट होगा। इसे मैं कुछ नारियल से गार्निश कर लेती हूँ। ये देखिए जैसे भी नारियल से गार्निश कर लेती हूँ, और भी सुंदर लग रहा, देखने में भी खाने में भी बहुत स्वादिष्ट है, पूरा दानेदार बना है, एकदम बहुत ही अच्छा लग रहा है। आप भी इसे ज़रूर ट्राई करें। यदि मेरी वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। मिलती हूँ नए वीडियो में। नमस्कार।